सही बुखारी शरीफ में यह हदीस शरीफ है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़े जोहर की जमात कराकर तशरीफ ले गए बनी अमर बिन औफ की सुलह करवाने के लिए। ये वो इलाका है जहां मस्जिद कुबा है। सरकार फरमा गए मैं ना पहुंचा तो अबू बकर सिद्दीक को कहना असर की जमात कराएं। मुसल्ले पे सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला को खड़ा किया गया और पीछे सहाबा ने सफे बनाई, तकबीर तहरीमा हो गई, नियत बांध ली गई। इतने में हमारे नबी अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ले आए। अब सहाबा का इम्तिहान शुरू हो गया, क्या करें, नमाज है और उधर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है जो नमाज लेके आए हैं। इस्माइल देलवी ने देली ब्रांड तौहीद मुतारफ करवाते हुए कहा था माज अल्लाह के अगर नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो गाय गधे के ख्याल से माज अल्लाह बुरा है। इस पर फिर दलीलें देता रहा कि गाय का बीवी का ख्याल आया तो ताजीम से नहीं आएगा, नबी का आया तो ताजीम से आएगा, और नमाज रब की और ताजीम नबी की हो तो कहने लगा माजला शिर्क हो जाएगा। लिहाजा नमाज में नबी का ख्याल नहीं आना चाहिए, ताजीम के साथ आ जाता है। मैं पूछता हूं ये मस्जिद नबी शरीफ के नमाजियों की नमाज तो देखो, अब नमाज में उनका फैसला क्या था? ये इस्माइल देलवी वाला कंसेप्ट होता तो कहते ठीक है अदब बड़ा करते हैं, हमारे नबी अलैहिस्सलाम हैं, मगर अब हम क्या कर सकते हैं, मजबूर हैं, हम नमाज में आखिरी सफ में आके खड़े हो गए हैं तो खड़े रहें। लेकिन ये कंसेप्ट वहां नहीं था, वहां ये था कि ठीक है नमाज भी है मगर नमाज दी किसने है, हो नबियों के सुल्तान और उम्मत की आखिरी सफ में पीछे खड़े हों। सहाबा ने फैसला कर लिया ना नमाज तोड़ेंगे और ना ही अपने महबूब की ताजीम छोड़ेंगे, दोनों काम करेंगे। हाथों पे हाथ मारा, मुंह से नहीं बोले, आवाज पैदा हुई तो सब मुतनब्बे हुए कि फिर सरकार तशरीफ ले आया। सहाबा ने सफों में रास्ता बनाया, सरकार ने चलना पसंद फरमाया और जब मुसल्ले के करीब पहली साफ में पहुंचे तो इमाम ने भी अदब शुरू कर दिया, पीछे हटे कि सरकार तशरीफ लाए तो फिर सरकार जमात कराए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मकानक अबू बकर, जमात कराते रहो। ये वो इमाम हैं जिनके पीछे नबियों के इमाम भी नमाज पढ़ने को तैयार हो गए हैं। लेकिन सरकार ने तीन बार फरमाया अबू बकर सिद्दीक पीछे हटते आए, चश्मे फलक ने देखा कि इस उम्मत ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को नमाज में भी प्रोटोकॉल दिया, ताजीम की, आखिरी सफ से मुसल्ले पे ले गए। अब इस्माइल देलवी की ता वो तौहीद की आड़ में तौहीन देखो, ये जो मस्जिद नबी शरीफ के नमाजी थे सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम, जब हाथों पे हाथ मार रहे थे तो क्या ख्याल नबी के बगैर मार रहे थे, और जो ख्याल था क्या अदब का था या बेअदबी का था? और फिर जिस वक्त हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसल्ला छोड़ा तो किस मकसद के लिए छोड़ा? इधर इनकी नमाज सरकार का ख्याल आए तो नहीं होती, उधर मस्जिद नबी शरीफ के नमाजी नमाज में ही सरकार की भी ताजीम कर रहे। आज कुछ लोग कहने लगे हम भी मानते हैं, सिर्फ तुम सुनियो नहीं मानते, हम भी मानते हैं, बड़ा मानते हैं, मानते हैं, कहते 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 बहुत, जिस तरह बड़ा भाई होता है, जिस तरह चीफ ऑफ विलेज है, गांव का चौधरी है, हम भी मानते हैं। तो मैं कहता हूं जरा पूछो सुफा वालों से और मस्जिद नबी वालों से और फिर फैसला करो, क्या बड़ा भाई मस्जिद में दाखिल हो तो सफों में रास्ता बनाया जाता है? क्या बड़ा भाई आए या गांव का चौधरी आए तो इमाम मुसल्ले से हट जाता है? अब इसका अगला हिस्सा, जब सलाम फेरा मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, हजरत सिद्दीक अकबर सफ में चले गए, सलाम फेरा तो अबू बकर मैंने कहा था जमात कराते रहो,
तुमने मुसल्ला क्यों छोड़ा? हालांकि सरकार को पता था कि क्यों छोड़ा, कि हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु मुसल्ले से जो पीछे आ गए, तो ये बच्चे बच्चे को पता है कि सरकार के अदब के पेशे नजर आ गए। पूछा इसलिए कि सिद्दीक बताएंगे, सहाबा रिवायत करेंगे, बात चलते चलते अजम में भी जाएगी और 15वीं सदी में भी खुतबों में आएगी। फरमाया अबू बकर क्यों मुसल्ला छोड़ा? अब सुन्नी का जुमला सुनना। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा, मा कान लिबन अबी कुहाफा ता अन युसल्लिया बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महबूब, मैं हूं अबू कुहाफा का बेटा, आप हैं रब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अबू कुहाफा के बेटे की क्या हैसियत कि वो रब के नबी के आगे खड़ा होकर नमाज पढ़े? महबूब, मैंने अदब के लिए मुसल्ला छोड़ दिया कि मुझसे पुश करना मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ, हालांकि आप तो खुद हुक्म फरमा रहे थे, मगर मेरा जमीर मान नहीं रहा था कि सरकार पीछे खड़े हों, मैं पुश्त करके खड़ा रहूं। और इतना अदब, इमाम किरमानी कहते हैं या शरह बुखारी में कि बंदा कम अज कम अपना नाम तो ले ही लेता है, चलो लकब अपना बयान ना करे कि मैं फुलां मैं फुलां। अबू बकर सिद्दीक ने तो नाम भी ना लेना बर्दाश्त किया, कहा मैं हूं अबू कुहाफा का बेटा, मेरी क्या हैसियत, आप हो रब के रसूल। आज क्या पिद्दी का शोरबा, जिनकी कोई हैसियत नहीं वो कहते हम उन जैसे, वो हम जैसे। तो मैं कहता हूं उम्मत के पहले फर्ज से पूछो, वो कहता है महबूब मेरे, मैं उन जैसा नहीं हूं, उन जैसा कोई नहीं कि जो सारी उम्मतों में नबियों के बाद पहले नंबर पर है। वो भी कहते हैं महबूब मेरी क्या मजाल कि मैं आपके आगे खड़ा हो जाऊं। तो जिसने अदबे नबवी में मुसल्ला छोड़ दिया था, रब ने उम्मत में पहले उसे ही अता फरमा दिया था।